इट इज डिसकंटीन्यूअस एट 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हम सभी जानते हैं कंटिन्यूटी कैसे प्रूव की जाती है, लेकिन वो तो लंबा चौड़ा काम है, लेकिन क्या आप किसी तरह से ट्रिक से ये पता कर सकते हैं? यस डेफिनेटली, विदाउट यूजिंग एनी ट्रेडिशनल मेथड हम ये पता कर सकते हैं। आपको करना क्या है, डिनोमिनेटर को जीरो किस किस पॉइंट में बनाया जा सकता है, यानी कि डिनोमिनेटर आपका कितनी बार जीरो हो सकता है। यहाँ पे फैक्टर बन रहा है एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन बनता है, बट न्यूमरेटर में भी एक्स माइनस वन है, तो ये इसको कैंसिल कर देने के बाद हमारे पास सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि अगर एक्स कुछ टू मैं जीरो ले लूँ तो ये डिफाइंड नहीं है, और अगर मैं माइनस वन ले लूँ तो भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। यानी डिनोमिनेटर दो बार जीरो होता है, जीरो पे भी और माइनस वन पे भी, तो ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस कितने पॉइंट पर होगा, एग्जैक्टली टू। यानी आपको सिर्फ ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर कितनी बार जीरो हो रहा है, दैट्स ऑल। तो इसका आंसर है एग्जैक्टली टू पॉइंट्स।